देश में तीन तरह की नीतियां होती हैं। सबसे पहली होती है समाज नीति, फिर राजनीति, फिर अंतर्राष्ट्रीय नीति, विदेश नीति जिसको कहते हैं। तो जो समाज नीति है उसमें सबसे पहली आवश्यकता होती है आश्रय, कर्म, कोई भी नौकरी वगैरह, भूख समस्याओं का निदान, उसके साथ में सुरक्षा, उसके साथ में अध्ययन अध्यापन, उसके साथ में रोजगार और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर भाईचारा समाज नीति बनती है। फिर होती है राजनीति, कि समाज की नीति को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, सफलता से, एकता से, संयम से, प्रेम से, सम्मान से, वो हो जाती है राजनीति, उठापटक की नहीं। और आजकल हमारी समाज नीति में भी कुनीति आ गई और राजनीति में तो शत प्रतिशत कुनीति आ चुकी है। इसलिए एक और चाणक्य का उद्भव हो, मैं बनूं या आप बने, जिससे कि जातिगत कुनीति को समाप्त किया जाए, जिससे कि भेदभाव की, घृणा की, जिससे कि लालच की, जिससे कि आतंक की नीतियों को और कुनीतियों को समाप्त किया जाए, जिससे कि हमारी विदेश नीति सुदृढ़ हो, जिससे कि हम वोट पाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर ना जाएं, बल्कि हमारा स्तर ऊंचा उठता ही जाए, तो होगी देश में सफलता, तो होगा देश का सच्चा विकास और सबका विकास। ये बहुत आवश्यक है। सो आइए रोजाना कुछ समय निकालें देश निर्माण हेतु।